अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू ग्रेड 10। आई एम वाहिद वाला द पार्ट ऑफ पीएमए स्कूल सिस्टम। टुडेज टॉपिक विल कवर योर बुक फ्रॉम पेज 16 टू पेज 23। द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो, मोहम्मद खान जुनेजो की दौर हुकूमत। 1985 इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस। 1985 के इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे हुए, मतलब इसमें पार्टीज के बेस पे हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, इंडिविजुअली हिस्सा कैंडिडेट हिस्सा लेते। जुनेजो वॉज मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली फ्रॉम सिंध, और जुनेजो देते ना वो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट थे, सिंध से उनका ताल्लुक था। मार्च 20, 1985 में ज़ियाउल हक ने उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सेलेक्ट किया, नॉमिनेट किया। टुक ऑथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑन मार्च 23, 1985, और 1985 को उन्होंने 20 मार्च 1985 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठाया। रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अब इससे पहले मार्शल ला थी, तो मार्शल ला में सियासी पार्टीज़ को की बहाली की इजाज़त नहीं थी, वो अपने कैंपेन वगैरह नहीं चला सकते थे। तो ज़िया जो थे ना वो पर्सनली, ही वॉज पर्सनली अगेंस्ट, वो पर्सनली जो है ना अगेंस्ट थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वजूद के, लेकिन पार्लियामेंटरी सिस्टम के ज़रूरत थी पार्टीज़, तो इसीलिए पार्टीज़ की बहाली का उन्होंने इजाज़त दे दी। प्रोविंशियल फेडरल हेड्स फॉर्म देयर ऑन ग्रुप्स, और जैसी पार्टीज़ की बहाली का ऐलान किया गया, इजाज़त दी गई, तो जो प्रोविंशियल हेड्स मतलब चीफ मिनिस्टर्स थे और जो फेडरल में बड़े बड़े अहदों पे थे, जैसे जुनेजो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने अपने पार्टीज़ बनाए। जुनेजो ने अपनी जो पार्टी बनाई उसमें 190 मेम्बर्स थे नेशनल असम्बली के आउट ऑफ 237। एंड ऑफ मार्शल ला के अख्तिताम ऑन जून 1, 1985 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आज की केपी ने, इसकी असम्बली ने मुतफिक का तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने मार्शल ला के खात्मे का मुतालबा किया। इसी दिन पंजाब और बलूचिस्तान के असम्बलियों ने भी ये डिमांड किया कि मार्शल ला को ख़त्म किया जाए। जुनेजो ज़ाती तौर पर मार्शल ला के खिलाफ थे, वो इसका खात्मा चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी मार्शल ला के खात्मे का मुतालबा किया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ज़िया और इनके बीच में इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते गए। नेशनल असम्बली ने आठवीं तरमीम, आइन की आठवीं तरमीम पास की, जिसकी वजह से सदर और भी पावरफुल हो गए। सदर को ये इख्तियार हासिल हुआ आठवीं तरमीम से कि वो असम्बली को ख़त्म कर सकते थे, और इसी तरह माशाल्लाह 1 जुलाई 1986 को ख़त्म हुआ। 5-पॉइंट प्रोग्राम, 5 नुकाती एजेंडा या प्रोग्राम, 5 नुकाती एजेंडा 30 दिसंबर 1985 को जुनेजो ने पेश किया, और इसका पहला पॉइंट क्या था कि स्टेबल इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक ऐसा जो है ना फ़ाल और स्टेबल डेमोक्रेटिक इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए, इसका जो क़याम है इसको यकीनी बनाए। दूसरा, जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, एक मुनसिफाना माशी इक्तिसादी सिस्टम बनाया जाए, निज़ाम बनाया जाए लोगों की वेल बींग फलाह के लिए, और एडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बेरोज़गारी है इसका खात्मा किया जाए। तीसरा पॉइंट था इलिटरेसी, एडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, नाख्वानदगी को ख़त्म करना, तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, ये मिशन था। दूसरा ये था कि जो मॉडर्न दौर के चैलेंजेस थे और टेक्नोलॉजी के, इसके लिए आवाम को तैयार करना। फोर्थ पॉइंट वाज करप्शन एंड इनजस्टिस, करप्शन और इनजस्टिस, रिश्वत और नाइंसाफी का खात्मा करना, और सोशल सिक्योरिटी जो माशर्ती तहफ़ इसको यकीनी बनाना, नेशनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी थ्रू स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड बैलेंस नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, और जो कौमी तहफ़ है, सलामती है, इसको एक गैर जानबदार इसको कहते हैं कि उस पर किसी भी उस वक़्त के मौजूद सुपर पावर की कोई जो है ना दबाव ना होता, मतलब वो सारे ममालिक के साथ एक जैसा होता और उसमें मुल्क की सलामती मुमकिन होती। डिफरेंसेस बिटवीन ज़ियाउल हक एंड जुनेजो, जुनेजो मार्शल ला के ख़िलाफ़ था, ही अपोज मार्शल ला,
एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि ज़ियाउल हक ने कुछ मिनिस्टर्स को दी हुई थी, जैसे मिनिस्ट्री क्या होती है, जैसे एजुकेशन की मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होती है, तो ये मिनिस्ट्रीज दी हुई थी। जुनेजो ने इनको रिशफल किया, इनको तब्दील किया, वो दूसरे लोगों में तकसीम कर दिए। नवंबर 1987 जुनेजो ने साहिबजादा याकूब से फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली। उस वक़्त साहबजादा याकूब जो है ना वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन थे अफगानिस्तान के इशू डील करने में, और ये इस उस वक्त मुल्क के लिए अफगानिस्तान का जो इशू था ये सबसे अहम इशू था, तो इन्होंने इस एक्सपीरियंस बंदे से ये फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली जो उसमें इस इशू में बड़ा माहिर था और बड़ा समझता था इस इशू को। अप्रैल 10, 1988 फायर ब्रोक आउट। 10 अप्रैल 1988 को जो आम डेपू था ओजी कैंप में जो रावलपिंडी के करीब था, उसमें आग लग गई और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जुनेजो इस वाक़े की इंक्वायरी करना चाहता था, तो इस ये भी इन दोनों के बीच के खिलाफात की वजह बनी। डिसमिसल ऑफ जुनेजोस गवर्नमेंट, जुनेजो की हुकूमत का खात्मा। May 22, 1988 जुनेजो ऑफिशियल विज़िट टू कोरिया, ऑफिशियल विज़िट पे कोरिया गए। वहाँ पे उसने डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन पे, बहाली पे कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए जिसको ज़ियाउल हक़ ने मिलिट्री के ख़िलाफ़ समझा, और 23 मई को वो पाकिस्तान वापस हुए, और उसके नेक्स्ट डे पे नेशनल असम्बली को ज़ियाउल हक़ ने ख़त्म कर दिया। इसी तरह जुनेजो की हुकूमत का खात्मा हो गया। अब इसके रीज़न क्या थे, जुनेजो की हुकूमत के रीज़न्स क्या थे, डिसमिसल के रीज़न्स क्या थे जो ज़ियाउल हक़ ने बयान किए। तो पहला ये था कि वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन, क्योंकि वो मुल्क को इस्लामिक कंट्री बनाने के एक प्रोसेस में से गुजार रहा था, तो वो पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसेस जो था ना ये ख़त्म हो गया था। दूसरा प्रोसेस ये था कि वो कहते कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो जमहूरी अमल था, वो आहिस्ता हो गया था। तीसरी ये कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात थी वो बदतर हो गई थी, ख़राब हो गई थी, और मुल्क की सलामती को, नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की सलामती को ख़तरा था, जिसकी वजह से हुकूमत ख़त्म करनी पड़ी। बहावलपुर इंसिडेंट, सानहा बहावलपुर। तो जुनेजो के डिसमिसल के बाद अयूब खान ने इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया। बेनज़ीर भुट्टो जो कि बहुत अरसे से जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी वापस मुल्क आई। ज़ियाउल हक़ के जहाज़ को बहावलपुर के एयरपोर्ट से जब वो अभी उन्होंने उड़ान भरी थी कि हादसा पेश आया जिसमें उनके साथ 30 मजीद लोग भी जो है ना वफात पा गए, मर गए, और इसी तरह ग़ुलाम इसहाक़ खान जो चेयरमैन सेनेट थे वो मुल्क के 7th प्रेसिडेंट बन गए। गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट टर्म, पहली मुद्दत। तो 1988 में इलेक्शंस हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता, और इसी तरह प्रेसिडेंट ने इनको दिसंबर 1, 1988 को हुकूमत बनाने की दावत दी, और उन्होंने December 2, 1988 को वोट लिया, हल्फ उठाया प्रेसिडेंट के तौर पर। इसके 10 डेज़ बाद इन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट जो है ना वो पार्लियामेंट से हासिल किया लिया। एफर्ट्स ऑफ बेनज़ीर गवर्नमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स, लोगों की बेहतरी के लिए बेनज़ीर हुकूमत की कोशिशें। तो पहले ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो सोवियत मीन लॉ मेकिंग बॉडी, सोशलिस्ट मीन इश्तराकी, तो ये एक ऐसी हुकूमत थी जिसको लोगों की हुकूमत समझा जाता था, किसी एक बंदे को हुकूमत नहीं समझी जाती थी। और सोवियत का मतलब है कि वो जुमात या वो कमेटी जो लोगों का ग्रुप जो कानून साजी करती है, ठीक है। तो इनके साथ भी, मतलब जो सोवियत यूनियन था उसके साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई। और थर्ड वर्ल्ड कहते जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह इस तरह के ममालिक हैं जो तरक्की के अमल से भी गुजर रहे, इनके जो इंटरेस्ट थे इनको जो है ना इनको भी सपोर्ट किया गया। दूसरी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कशीदगी थी, जो हालात की ख़राबी थी, वो थोड़ी बेहतर हो गई, और हुकूमत ने महाजर कौमी मूवमेंट MQM के साथ मुआहदे किए हालात की बेहतरी के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, टेलीविज़न एंड रेडियो वाज रिस्टोर्ड, और टेलीविज़न, प्रेस, अखबार और रेडियो की जो आज़ादी थी वो बहाल कर दी गई कि वो कुछ भी कह सकते, हुकूमत के किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को जो है ना वो सामने ला सकते।
और पॉलिटिकल प्रिजनर जो सियासी कैदी थे उनको आज़ाद किया गया। पहली बार नॉन अटैकिंग ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, पहली बार दोनों ममालिक मतलब इंडिया और पाकिस्तान के जो एटमी तवानाई के मराकज़ थे उन पर हमला ना करने का मुआहदा किया गया, और ये बेनज़ीर भुट्टो राजीव गांधी के बीच में December 31, 1988 को हुआ। और ये SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी जो पाकिस्तान में हुई ये उसमें ये मुआहदा किया गया। April 23, 1989 बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स वेलफेयर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया पेशावर में, जिसका मकसद ये था कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। डिसमिसल ऑफ फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट, पहली मुद्दत हुकूमत का इख्तिताम। तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ जनरल इलेक्शन 1988 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? सेंटर में, ठीक है, उनकी वफाकी हुकूमत थी, लेकिन पंजाब में इस्लामी जमहूरी इतिहाद की हुकूमत थी। तो ये दोनों हुकूमत मुसलसल एक दूसरे के साथ महाजराई कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड में रहते थे, जिसकी वजह से हुकूमत बेहतर कारकर्दगी नहीं कर पाती थी। ऑन August 6, 1990 प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, और 6 अगस्त 1990 को गुलाम इसहाक खान ने असेंबली ख़त्म कर दी। किस वजह से? उसके चार्जेस क्या थे, किस वजह से इल्ज़ामात क्या थे? पहला करप्शन का था, दूसरा मिसयूज़ ऑफ पावर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, तीसरा जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे जो जमहूरी इकदार है तौर तरीके उसका जो है ना उसको डैमेज करना, उसको नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। गुलाम मुस्तफ़ा जटोई को केयर टेकिंग मिनिस्टर बनाया गया October 1990 तक। 1990 के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, लेकिन यहाँ पे हम बेनज़ीर की सेकेंड टर्म गवर्नमेंट जो 1993-1996 तक है वो डिस्कस करते हैं। तो जनरल इलेक्शंस 19 अक्टूबर 1993 हुए, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध और पंजाब में हुकूमत कायम की, KPK और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और इसके अलायंस इसके इत्तेहादियों ने हुकूमत बनाई। बेनज़ीर भुट्टो फॉर्म्ड हर कैबिनेट विद अटमोस्ट केयर, और बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जो कैबिनेट था वो बहुत ज़्यादा ख्याल से बहुत ज़्यादा केयरफुल इस टाइम बनाया। और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को ख़त्म करने के लिए, क्राइम जराइम और टेररिज्म और लोड शेडिंग बीजी की लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए इकदाम किए गए। फॉरेन पॉलिसी वॉज रिव्यू इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और उस वक्त के दुनिया के जो हालात थे उसको देखते हुए मुल्क की फॉरेन पॉलिसी खारजा पॉलिसी बनाई गई। डिसमिसल ऑफ सेकेंड टर्म गवर्नमेंट, दूसरी बिंदत हुकूमत का अख्तितम। पीर साबिर शाह गवर्नमेंट इन KP वो स्टॉपल, उस वक्त KP में पीर साबिर शाह की हुकूमत थी। इसको PPP के आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने ख़त्म किया और अपनी हुकूमत कायम की। बलूचिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली मिक्सी की हुकूमत थी जिसको ख़त्म करने की कोशिश शुरू की गई। PPP एंड MQM क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और महाजर कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उन्होंने अपना बजट पेश किया जिसमें 128 बिलियन रुपीस के टैक्सेस जो है ना मजीद जो है ना वो पेश किए गए थे। पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े हुए। ऑन June 26, 1996 सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड लोकल गवर्नमेंट, और 26 जून 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट, जिस तरह के आज ये यूनियन काउंसिल है, विलेज काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह हुआ करते थे, इनको रिस्टोर किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको इख्तियार देने के बजाय एक लॉ पास किया, एक कानून साजी की, जिसमें इन इख्तियार इन्होंने अपने हाथ में रखे, इनको निचले सतह पर इख्तियार ट्रांसफ़र नहीं किए। August 10, 1996 ट्रेड कम्यूनिटी स्ट्राइक टू डेज, 10 अगस्त 1996 को जो ताजर बिरादरी है, कम्यूनिटी है, इन्होंने हड़ताल किए 2 दिन के लिए। Differences between President and Prime Minister regarding the अच्छा appointment judges की जो appointment थी इस
में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में इख्तलाफात बढ़ गए और नवंबर 5, 1996 प्रेसिडेंट फारूक अहमद ख़ान इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 58(2)(b) ये याद रखना, ये ज़रा याद रखें कि आर्टिकल 58(2)(b) ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा आर्टिकल है, एक्ट है, लॉ है, जिसके ज़रिए जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 8th Amendment, उस 8th Amendment से ये कानून बना और इसने प्रेसिडेंट को ये ताकत दी कि वो असेंबली को ख़त्म कर सकते हैं। तो फारूक अहमद ख़ान जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस कानून का, इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके नवंबर 5, 1996 को नेशनल असेंबली ख़त्म की और इस तरह बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत का भी अख्तिताम हुआ।